बच्चों अब हम लोग इनिशियल फेज को कैलकुलेट करना दूसरे हिसाब से सीखेंगे कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ मीन पोजीशन से तो उसके इनिशियल फेज के होने की क्या कंडीशन होगी, क्या क्या हो सकता है, क्या संभावित है, क्या पॉसिबल है। अगर कोई पार्टिकल अपने SHM की शुरुआत पॉजिटिव एक्सट्रीम से करता है तो उसका इनिशियल फेज क्या हो सकता है। कोई पार्टिकल अपने मोशन की शुरुआत SHM की शुरुआत अपने निगेटिव एक्सट्रीम से करता है तो उसके बच्चों यहाँ इनिशियल फेज होने के क्या क्या कंडीशंस बन सकते हैं। A/2 से कोई शुरू कर रहा तो कितना इनिशियल फेज आ सकता, उस बिहाफ पर इनिशियल फेज को निकालना सीखेंगे। मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा बच्चों कि अगर मान लेते कोई पार्टिकल, एक बड़ा सा लाइन मैं बना देता हूँ यहाँ ऐसे, कोई पार्टिकल है बच्चों, वो पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन, ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई पार्टिकल बच्चों यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन मान लो कर रहा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा हो, ये रहा हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, एक्स इक्वल टू प्लस ये हो गया, यहां कहीं बच्चों हमारे पास हो गया, ये रहा मेन पोजीशन, एक्स इक्वल टू क्या हो गया जीरो, और यहां कहीं बेटा यहां कहीं ये मैंने मान लिया निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन माइनस है, यहां कहीं किसी इन दोनों पोजीशंस के बीच में मेरा पोजीशन होगा a/2 का a/2 plus a/2, और यहां कहीं बीचों बीच में यहां पोजीशन मिलेगा -a/2। सपोज दैट कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू कर रहा है, यहां सिंपल हार्मोनिक मोशन इस पर्टिकुलर लाइन पे होना शुरू हो रहा है। अब अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन इस पर्टिकुलर लाइन पे होना शुरू हो रहा है बच्चों, तो सवाल यह है पार्टिकल कहां से मोशन अपना शुरू करेगा, क्या मेन पोजीशन से शुरू करेगा, सवाल है क्या यहां हाफ ऑफ दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेगा, कंडीशन है क्या पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू करेगा, सवाल है क्या माइनस ए से निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करेगा, सवाल है क्या यहां से शुरू करेगा या कहीं और से शुरू करेगा। पार्टिकल अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन करने की शुरुआत इनिशिएशन कहां से करेगा, यह गंभीर सवाल अपने आप में है। तो बच्चों मैं कहता हूं डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन पार्टिकल अपने मीन पोजीशन की शुरुआत कहीं से भी कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, इन द सेंस मीन पोजीशन से भी कर सकता है। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि मीन पोजीशन से ही मोशन की शुरुआत होगी, नहीं सर, मोशन की शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है, बशर्ते मीन पोजीशन से हमेशा डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है। यहां पर पार्टिकल अपने मोशन की शुरुआत कहीं से भी इस लाइन में कर सकता है, उसका कोई डेफिनेट पॉइंट निश्चित नहीं होता है। तो सब लोग सीखो ध्यान से बच्चों, फेज क्या बताता है, फेज कंडीशन बताता है कब कौन सा पार्टिकल कौन से सिचुएशन में है, और इनिशियल कंडीशन बताने के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड होता है इनिशियल फेज। अगर इनिशियल फेज मुझे पता हो तो इनिशियल कंडीशन मुझे पता चल जाता है, या इनिशियल कंडीशन पता हो तो इनिशियल फेज भी पता चल जाता है। जैसे बच्चों यहां मैं मान लेता हूं सपोज t=0 से पार्टिकल अपनी शुरुआत कर रहा है x=0 से, यानी मेन पोजीशन से पार्टिकल चलना शुरू कर रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूं, थोड़ा नीचे लिखूं अभी मुझे यहां जगह की जरूरत है, मैं मान के चल रहा हूं बच्चों x=0 पर पार्टिकल रहा होगा, कहां t=0 पर, ये पहला सिचुएशन मैं यहां लिख रहा हूं कि जब मोशन की शुरुआत हुई होगी उस समय मेन पोजीशन से शुरुआत हुई होगी, ऐसा अगर मैं मान के चलूं, ऐसा बच्चों अगर मैं मान के चलूं तो इनिशियल फेज कितना होगा। इनिशियल फेज कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका होता है वो मैं आपको बता दूं पहले सबसे पहला जो लॉजिक होगा वो आप डिसाइड करोगे कि कौन से पोजीशन पर हमें यहां इनिशियल फेज को निकालना, मतलब कहां से हम पार्टिकल को शुरुआत करता हुआ मान रहे हैं। मैंने डिसाइड कर लिया, ये पॉइंट यहां डिसाइडेड हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा डिसाइड आप ये करोगे कि यहां पर इतना डिसाइड करने के बाद आप क्या करोगे ना बच्चों, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन, पहला पॉइंट क्या हुआ, मैंने पॉइंट डिसाइड किया कि कहां से शुरुआत ले रहा है,
दूसरा काम आप ये करोगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऐसे लिखोगे, यक्स के अलांग हो रहा तो ऐसे लिखोगे, यक्स इक्वल टू ये साइन ऑफ ओमेगा टी, यहां प्लस फाइव वाला इक्वेशन आप लोगे स्टैंडर्ड में, ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड इक्वेशन यही आप यूज करोगे, मैं आपको बता दे रहा हूं। फिर आप देखोगे जहां पर हम इनिशियल फेज को कैलकुलेट करने के इच्छुक हैं वहां यक्स की वैल्यू क्या है, यक्स की वैल्यू वहां पर जीरो है, जीरो रख दो यक्स की जगह। जहां से हम इनिशियल फेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इनिशियल फेज कैलकुलेट करने जा रहे हैं सर, तो इसका मतलब टी की वैल्यू क्या रही होगी, जीरो, तो टी के जगह पर क्या रख देना है, जीरो, प्लस यहां के अंदर क्या हो जाएगा, फाइव। सॉल्व कर लीजिए, स्टेप्स क्या क्या लेने, पहले आप वो पॉइंट डिसाइड करो जिस पॉइंट से पार्टिकल को शुरुआत होता हुआ आप मान रहे हो, फिर क्या करो स्टैंडर्ड इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का इस फॉर्म में आप लिखो, फिर उस इक्वेशन में यक्स की वैल्यू जहां पर भी आप निकाल रहे हो वहां का यक्स का जो भी वैल्यू आप रखो, और टी की जगह क्या रखो, जीरो। जीरो क्यों, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इनिशियल फेज, इनिशियल फेज मीन्स फेज एट टी इक्वल टू जीरो। उसके बाद फाई, जो इनिशियल फेज हमारा इसमें छुपा हुआ फाई, उसको आप निकाल लो, सॉल्व कर लो, तो ये बन गया जीरो इक्वल टू साइन ऑफ, ये हटा दीजिए जीरो बाई ये, मतलब जीरो हो जाएगा साइन फाई। साइन फाई अगर जीरो आ रहा है बच्चों, मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं, साइन फाई अगर जीरो आ रहा है इट मींस फाई की वैल्यू या तो जीरो डिग्री रही होगी या फिर 180 डिग्री रही होगी। बच्चों यहां पर फाई की वैल्यू जीरो डिग्री रख लीजिए तो भी साइन जीरो की वैल्यू जीरो और साइन 180 की वैल्यू भी जीरो, तो फाई की दो पॉसिबल वैल्यूज यहां के अंदर आ गई, एक तो आ गया जीरो डिग्री और अगला बच्चों यहां के अंदर आप देखिए क्या आ गया 180 डिग्री। अब ये दो डिग्री आने का क्या मतलब हुआ, दो दो एंगल आने का, दो दो फेज एंगल दिखाने का क्या मतलब हुआ, यहां मतलब इस बात से है कि बच्चों यहां पर जीरो डिग्री इनिशियल फेज आने का मतलब हुआ कि पार्टिकल के मोशन की शुरुआत एक्स इक्वल टू जीरो से हुई होगी और पार्टिकल ने अपने मोशन को प्रोसीड किया होगा टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन, ऐसे केस में इनिशियल फेज क्या होगा, जीरो। अगर एक्स इक्वल टू जीरो से मोशन की शुरुआत हुई हो लेकिन पार्टिकल यहां बच्चों अपने मोशन को प्रोसीड कराया हो निगेटिव एक्सट्रीम की ओर, अब यहां से शुरू किया तो इधर भी जा सकता है इधर भी, इसलिए दो जवाब यहां मिले, इधर अगर जा रहा होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम की ओर तो इनिशियल फेज आप जीरो डिग्री लेना बच्चों, अगर निगेटिव एक्सट्रीम की ओर जा रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों तो इनिशियल फेज को आप लेना 180 डिग्री। 180 ये इशारा कर रहा है इनिशिएशन इज फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो एंड प्रोसीडिंग टूवर्ड्स निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन, एंड जीरो डिग्री इनिशियल फेज इशारा कर रहा है इनिशिएशन इज टेकिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो एंड मोशन इज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। इतना मेरे प्यारे बच्चे लोग समझ गए होंगे, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। अब बच्चों मान लो, सपोज मैं कह रहा हूं पार्टिकल अपने मोशन की शुरुआत, सपोज करिए मैं मान रहा हूं कहां से कर रहा हो, अपने मोशन की शुरुआत बच्चों कर रहा हो यक्स इक्वल टू प्लस ए बाई टू से, ठीक है, कहीं से भी मानोगे दो संभावनाएं आ जाएंगी, यहां से शुरुआत कर रहा होगा तो इधर जा सकता है और इधर भी जा सकता है। अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन से पार्टिकल अपने मोशन की शुरुआत कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सीखो कि यहां के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये हैं कि ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव एक्सट्रीम की ओर जा रहा, पहले मैंने डिसाइड कर लिया कब t इक्वल टू जीरो पर यहां से शुरुआत करता हुआ मानेंगे। अगला स्टेप हमारा होगा हम क्या लिखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम इन दिस फॉर्म एक्स इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है बच्चों। फिर यहां के अंदर आप क्या करो, जिस पर्टिकुलर लोकेशन की आप बात कर रहे हो वहां पर यक्स की वैल्यू क्या है, रख दो ए बाई टू इक्वल टू हो गया ये साइन, टी की जगह क्या रखना है जीरो, टी की जगह जीरो रखेंगे तो केवल क्या बचा फाइव, ठीक है, और यहां पर ये बाई ये कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब साइन फाइव की वैल्यू बच्चों यहां के अंदर आ जाएगी वन बाई टू, और ये कौन नहीं जानता है, जब साइन फाई की वैल्यू 1 बाई टू हुआ तो फाई की वैल्यू आ जाएगा बच्चों 30 डिग्री, और साइन फाई की वैल्यू अगर 1 बाई टू हुआ तो यहां के अंदर बच्चों एक और इसमें एंगल हो सकता है पॉसिबल 150 डिग्री। ये दो ऐसे एंगल हैं जहां पर साइन फाई की वैल्यू
1/2 के बराबर आ सकती है। साइन 150 का मतलब साइन 90+60, साइन 90+60 मतलब कॉस 60, कॉस 60 मतलब 1/2। इसका मतलब यहाँ फाई की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, 30 डिग्री और 150 डिग्री। 30 डिग्री इज इंडिकेटिंग दैट द पार्टिकल इज इनिशिएटिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू ए बाई टू एंड द प्रोसीडिंग टूवर्ड्स पार्टिकल इज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। और यहाँ के अंदर बच्चों अगर इनिशियल फेज हमारे पास 150 डिग्री है, इट मीन्स ए बाई टू से शुरुआत तो हुई है और पार्टिकल यहाँ सेंटर की ओर कह लीजिए प्रोसीड कर रहा है या कह लीजिए निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन की ओर जाने के प्रयास में, दोनों बातें यहाँ सही होंगी, आ गया 150 डिग्री। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए पार्टिकल को मैं प्लस ए से शुरू होता हुआ मानूं तो क्या कंडीशन बनेगा, पार्टिकल को प्लस ए से शुरू होता हुआ मानूं, चलिए मान लेते हैं, सपोज करिए पहले पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं x इक्वल टू प्लस ए, कब, शुरुआत में, शुरुआत में मतलब t इक्वल टू जीरो पर। मेरे प्यारे बच्चों अब मैं क्या करूंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखूंगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का स्टैंडर्ड इक्वेशन इन द सेंस x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई। जो रूल है उसको फॉलो करेंगे, x के जगह x की वैल्यू रख देंगे और t की जगह जीरो रख देंगे। x की जगह मैंने ये रखा, ये हो गया ये साइन ओमेगा टी, जीरो हो गया, केवल क्या बचा फाई, ये से ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ के अंदर हमारे पास बचेगा साइन फाई, दिस मच बिकम्स वन। अगर साइन फाई की वैल्यू बच्चों वन आता है देन दिस इज वेल नोन फैक्ट फाई वुड बी इक्वल टू हाउ मच, 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर इसका मतलब इनिशियल फेज हमारे पास आ गया 90 डिग्री और यहाँ से बस एक ही वैल्यू पॉसिबल है। क्यों एक ही वैल्यू पॉसिबल है भाई, इसलिए एक वैल्यू पॉसिबल है बच्चों, साइन फाई इक्वल टू वन केवल साइन 90 के केस में आता है। एक वैल्यू इसलिए पॉसिबल मैंने बताया क्योंकि यहाँ से ये पार्टिकल इधर नहीं जा सकता, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुँच चुका, अब इसको इधर ही आना है। ठीक है, क्षण मात्र के लिए रुकेगा फिर वापस आना शुरू कर देगा, रिस्टोरिंग फोर्स कहेगा चल भैया सेंटर पर। ठीक है, ये तीन कंडीशन मैंने चेक किया, जब पार्टिकल मीन पोजिशन से चलना शुरू करे तो क्या होगा, उसमें दो मिले सिचुएशन, अगर यहाँ से शुरू करे पॉजिटिव एक्सट्रीम की ओर जाए जो इनिशियल फेज होगा जीरो, यहाँ से शुरू करे निगेटिव एक्सट्रीम की ओर जाए जो इनिशियल फेज होगा 180 डिग्री, यहाँ से शुरू करे पॉजिटिव एक्सट्रीम की ओर जाए इनिशियल फेज जो हमारे पास होगा 30 डिग्री, यहाँ से शुरू करे निगेटिव एक्सट्रीम की ओर जाए या मीन पोजिशन की ओर कह लीजिए जाए इनिशियल फेज होगा 150 डिग्री, यहाँ से शुरू करे बच्चों यहाँ पर ये किधर की ओर जाए सेंटर की ओर या निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर कह लीजिए जाए, सेंटर की ओर कहिए ज़्यादा उचित होगा बच्चों, यहाँ पर हमारा जो इनिशियल फेज होगा 90 डिग्री होगा। ये तीन सिचुएशन दिखाने के बाद और जो जो पॉसिबल हैं कुछ खास खास सिचुएशन, चलिए और चेक करते हैं। बच्चों सिमिलर मैनर में इसको मैं मिटा देता हूँ, अगर आपको इसमें कुछ भी नोट करना हो कहीं पर बच्चों तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया करो। ठीक है, और लेक्चर देखने के बाद राइवल बुक की रीडिंग जरूर लगा लीजिएगा जो कि चैप्टर वाइज मैं आपके कोर्स में लिंक करता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए सपोज करिए बच्चों मैं मानता हूं पार्टिकल टी इक्वल टू जीरो पर कहां पे रहा होगा, एक्स इक्वल टू माइनस ए बाई टू पर, यहां से शुरुआत करता हुआ मान रहा हूं। अगर यहां से शुरुआत करता हुआ बच्चों मैं मानूंगा तो उसका अगला स्टेप होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम विच इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाई, ओमेगा टी प्लस फाई दिस इज फेज एंड फाई इज द इनिशियल फेज विच इज टू बी कैलकुलेटेड, वी आर प्रोसीडिंग फॉर द सेम एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ एस एच एम इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, फॉर कैलकुलेशन वी आर यूजिंग हियर साइन प्लस नॉट माइनस, अदरवाइज यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। यहाँ के अंदर बच्चों क्या होगा, x के जगह पर मैं x की वैल्यू रखूंगा, x की वैल्यू ये देखिए क्या है, ये बाई टू, लेकिन माइनस ए बाई टू है, इक्वल टू हो जाएगा ये साइन ऑफ, यहाँ के अंदर हो गया ओमेगा t प्लस फाई, मेरे प्यारे बच्चों t की जगह क्या रखना जीरो, तो क्या बचा साइन फाई, केवल यहाँ बचा साइन फाई बचा बेटा जी, यहाँ के अंदर आ जाएगा साइन फाई, दिस मच बिकम्स माइनस वन बाई टू, दिस मच बिकम्स माइनस वन बाई टू। अगर साइन फाई बच्चों माइनस वन बाई टू आता है
अगर साइन फाई माइनस वन बाई टू आता है तो ये वैल्यू मुझे मिलती है फाई की, अगर वैल्यू हो 210 डिग्री, 210 साइन 210 का मतलब हो जाएगा साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30 का मतलब साइन 30 माइनस साइन 30 जो कि माइनस वन बाई टू आ जाएगा। तो यहाँ के अंदर एक तो ये पॉसिबिलिटी हुई, दूसरी पॉसिबिलिटी फाई के लिए बच्चों यहाँ पर अगर हम रख देंगे 330 डिग्री तो भी माइनस वन बाई टू आएगा। साइन 330 का मतलब आप कह सकते हो साइन 330 का मतलब आप कह सकते हो साइन 360 माइनस 30, और 360 की जगह जीरो रख लेना, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है आपको बताया है, तो आ जाएगा साइन माइनस 30, साइन माइनस 30 का मतलब माइनस साइन 30। तो कहने का मतलब ये दो वैल्यूज यहाँ पॉसिबल हैं। 210 डिग्री इशारा कर रहा है कि पार्टिकल अपने मोशन की शुरुआत कहाँ से कर रहा है प्यारे बच्चों, माइनस ए बाई टू से, और ये प्रोसीड किधर की ओर कर रहा है बच्चों, यहाँ माइनस 210 डिग्री अगर इनिशियल फेज है इट मीन्स दिस इज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन। और बच्चों यहाँ के अंदर हमारा पार्टिकल अगर शुरुआत यहीं से कर रहा हो माइनस ए बाई टू से, लेकिन प्रोसीड कर रहा हो एक बच्चों मेन पोजीशन की ओर या यूं कह लिए पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर, तो इनिशियल फेज यहाँ के अंदर मैं कितना कंसीडर करूँगा 330 डिग्री। ठीक है, चलते हैं आगे, यहाँ पर आ जाइए। अगर पार्टिकल को हम निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन से शुरू करता हुआ माने, हम ये मान के चलें t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल कहाँ रहा होगा, x इक्वल टू माइनस ए पर, तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, लिखूँगा x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा t प्लस ऑफ फाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन दूसरा स्टेप। देन अगेन नेक्स्ट स्टेप विल बी हियर, वैल्यू ऑफ x शुड बी प्लेस्ड एट द प्लेस ऑफ x and in this way we will get here minus a equal to a sin at the place of t we will write down 0, then this will be 0 and the remaining portion will be only phi. The sin phi that I will get here, sin phi will be equal to minus 1. मेरे प्यारे बच्चों अगर sin phi की वैल्यू माइनस वन आता है इट मीन्स phi की वैल्यू यहाँ के अंदर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। फाई की वैल्यू बच्चों यहाँ एक सिंगल वैल्यू मिला जो कि 180 डिग्री हुआ, इसका मतलब हुआ अगर पार्टिकल अपने मोशन की शुरुआत t इक्वल टू जीरो से कर रहा हो, मोशन की शुरुआत अगर मानेंगे तो t इक्वल टू जीरो तो हमेशा होगा बशर्ते निगेटिव एक्सट्रीम से कर रहा हो, तो वहाँ पर इनिशियल फेज जो हम लेंगे 180 डिग्री लेंगे, और यहाँ पर एक ही माफ़ करिएगा मुझसे एक मिस्टेक हो गया बच्चों, ये हमारे पास होगा 270 डिग्री। ठीक है, साइन 180 तो जीरो हो जाता है, ये हो जाएगा 270 डिग्री बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 270 डिग्री। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो बच्चों ये जो अभी आपके सामने एक पैटर्न बन के आया आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के इनिशियल फेज आपको पता होते हैं तो कुछ बड़े बड़े जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों अगर ये आपको याद रहेगा डायरेक्ट तो बहुत आसानी से आप समय बचाते हो, बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हो। ठीक है, तो यहाँ के अंदर बच्चों ये रहा इनिशियल फेज को कैलकुलेट करने का तरीका, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या खास बातें बन रही हैं। इनिशियल फेज और फेज का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल का सिचुएशन कैसा है, वो कौन से कंडीशन में है, किधर की ओर मोशन कर रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बारे में बहुत सारी रिलेटेड जानकारियां फेज के कैलकुलेशन से मिल जाती हैं। बच्चों इनिशियल फेज क्या है, जहां से पार्टिकल का मोशन शुरू हुआ था वहां का फेज क्या होगा, दैट इज कॉल्ड इनिशियल फेज। मैंने यहां पर एक डायग्राम आपको बना के दिखाया था बच्चों, ऐसे मैंने एक रैंडमली एक रफ डायग्राम बनाया है, और यहाँ के अंदर मैंने माना है पार्टिकल अपने मोशन की शुरुआत यहाँ से करे, तो यहाँ से अगर करेगा तो इनिशियल फेज की दो संभावनाएं, क्यों दो पॉसिबिलिटीज, बिकॉज द मोशन कैन प्रोसीड टूवर्ड्स राइट एंड ऑल्सो मोशन कैन प्रोसीड टूवर्ड्स लेफ्ट। इन दिस सिचुएशन द टू फेजेज आर पॉसिबल। अगर मोशन बच्चों यहाँ पॉजिटिव एक्सट्रीम की ओर हो रहा है तो इसको हम कहेंगे इनिशियल फेज जीरो डिग्री है, मोशन निगेटिव एक्सट्रीम की ओर प्रोसीड हो रहा है तो इनिशियल फेज मैं कहूँगा 180 डिग्री है, प्लस ए बाई टू पर है तो बच्चों यहाँ 30 डिग्री मीन्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन की ओर, और यहाँ 150 मतलब निगेटिव एक्सट्रीम पोजिशन की ओर। बच्चों यहाँ 90 डिग्री
हमारा हो गया, अगर पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल मोशन करना शुरू करे तो इनिशियल फेज 90 डिग्री लेंगे। निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल अपने मोशन की शुरुआत करे तो इनिशियल फेज बच्चों हम लोग लेंगे 210 डिग्री। जब पार्टिकल निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की ओर जा रहा होगा 330 डिग्री लेंगे, जब पार्टिकल मीन पोजीशन की ओर जा रहा होगा। निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल चलना शुरू करे तो इनिशियल फेज इस पर्टिकुलर सिचुएशन में 270 डिग्री के बराबर लेंगे। तो एक साइकिल पूरा फिर यहाँ तक आया, आप इसको 360 भी लिख सकते थे, लेकिन अलग से लिखो ना लिखो कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों ये पूरा एक साइकिल पूरा देखिए, 0 डिग्री 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 में 60 जोड़ दो 90 डिग्री, 90 में 60 जोड़ दो 150 डिग्री, 50 में देखिए गैप बराबर है, 30 का गैप है, फिर 30 जोड़ो तो यहाँ के अंदर 150 प्लस 30 180 आ गया, 180 प्लस 30 इधर भी कर दो तो 210 डिग्री आ गया, 210 प्लस इसके बीच देखिए गैप 60 का है तो यहाँ भी 60 का होगा, यहाँ 210 प्लस 60 270 डिग्री, फिर 60 का गैप जोड़ दो 270 प्लस 60 330 और यहाँ पर फिर 30 का गैप अगर जोड़ दोगे, ये गैप 30 का था बच्चों, 360 डिग्री मतलब एक साइकिल पूरा हो गया। ठीक है, इसको दिखाओ ना दिखाओ, यहाँ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर बच्चों फेज क्या होगा उसको निकालने का तरीका। इसी तरह मैं कह दूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा कोई पार्टिकल है वो t इक्वल टू जीरो से अपने मोशन की मीन शुरुआत कर रहा है x इक्वल टू प्लस ए बाई स्क्वायर रूट टू से, आप बताइए इनिशियल फेज क्या रहा होगा। तो बच्चों सिंपल हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हम लिखेंगे x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा t प्लस ऑफ फाई, फिर x की वैल्यू रख लेंगे क्या है a बाई स्क्वायर रूट में टू, दिस विल बी इक्वल टू बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा ये साइन ऑफ ओमेगा टी के जगह जीरो रख देंगे, केवल क्या बचेगा फाई, ये से ये खत्म हो जाएगा बच्चों, यहाँ के अंदर बचेगा साइन फाई, दिस मच वुड बी इक्वल टू वन बाई स्क्वायर रूट टू। अगर साइन फाई की वैल्यू वन बाई स्क्वायर रूट में टू आ गया, इसका मतलब बच्चों फाई की वैल्यू यहाँ 45 डिग्री होगा, या फिर एक वैल्यू और पॉसिबल है 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये पॉसिबिलिटीज आ गया बच्चों जो मैंने आपको बताया 45 डिग्री मतलब ये बाई स्क्वायर रूट टू, ए बाई टू ज्यादा है कि ये बाई स्क्वायर रूट टू ज्यादा है, ये बाई स्क्वायर रूट टू ज्यादा होगा, इट मीन्स यहाँ कहीं से शुरुआत हुई होगी 45 डिग्री, आने का मतलब बच्चों इधर की ओर प्रोसीडिंग हुआ होगा, 135 डिग्री आने का मतलब इधर की ओर प्रोसीडिंग हुआ होगा। तो ऐसे कोई भी बच्चों सिचुएशन दे दे, आपको इनिशियल फेज कैलकुलेट करना हो बिना घबराए आप करोगे बच्चों। अगर स्टैंडर्ड वैल्यू मान लो 1/√2 मिला, ये मुझे पता था यहाँ मिलता 1/5, तो वैल्यू मुझे फाई का ना पता चल पाता, उसको मैं साइन इनवर्स में लिख लेता, साइन इनवर्स 1/5। ठीक है बच्चों, तो जैसा जहाँ पॉसिबिलिटी होगा उसके अनुसार बच्चों हम निर्णय लेंगे, उसके अनुसार कॉन्सेप्ट से हम सवाल को निकालने का प्रयास करेंगे।